तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर जियोलाइट प्रोसेस को। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं और वीडियोज को देख सकते हैं। और आई होप आप नोट्स को बना रहे हैं, ताकि मुझे पता है कि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी और एग्जामिनेशन टाइम में आपके लिए नोट्स ही फायदेमंद होता है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये बेसिकली होता क्या है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि जियोलाइट आर नॉर्मली ऑकर रिंग हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट एंड मिनरल्स हैविंग द डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। यानी जो आपका जियोलाइट होता है वो नॉर्मली किसके कारण अकर होता है, जो हाइड्रेट होते हैं सोडियम एल्यूमिनो के, सिलिकेट के जो मिनरल्स के रूप में होते हैं, जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं। और ये क्या हो सकते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड एज Na2.Al2O3.SiO2 एंड .Ys2O। यानी ये जो है ये आपका क्या है, एक जनरल फार्मूला है, जो कि जियोलाइट का एक जनरल फार्मूला है। इसका याद होना बेहद जरूरी है। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो इस फार्मूला को उस डेफिनेशन के अंदर लिखना बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अगला पॉइंट इसी के अंदर क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि दे आर सिंपल रिप्रेजेंटेड एज Na2Zd। यानी इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सोडियम जियोलाइट यानी जेडी के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन एक्स एंड वाई वेरीज फ्रॉम 0 to 10 एंड 0 to 6। यानी एक्स आपका जो है वो वेरी करेगा 0 से 10 के बीच में, वाई वेरी करेगा 2 से आपका 6 के बीच में। और दे आर प्रोड्यूस द सिंथेटिकली एज वेल एंड दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सचेंजिंग द Na प्लस आयन विद द हार्डनेस कॉजिंग आयन्स लाइक कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम आयन। यानी उनके पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए कैल्शियम आयन की और मैग्नीशियम आयन की। और अगला पॉइंट कह रहा है कि रिएक्शन विच टेक्स द प्लेस इन द सॉफ्टनिंग प्रोसेस आर एज फॉलोज। यानी जो रिएक्शन जियोलाइट प्रोसेस में यूज होंगे वो रिएक्शंस क्या है, आप इन रिएक्शंस को देखिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर सोडियम जिंकेट से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम जिंकेट प्लस NaHCO3 बनाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट जब Na2Zd से रिएक्ट करेगा तो MgZd प्लस Na2SO4 का निर्माण करेगा। इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड जब इससे रिएक्ट करेगा तो इस चीज का रिमार्क करेगा। ओके, उसके बाद कुछ रीजनरेशन है, किस तरीके से इसको दोबारा जनरेट किया जाता है, किस तरीके से क्या किया जाता है। तो इससे अंदर पहला पॉइंट कह रहा है कि द जियोलाइट मिनरल्स गेट एग्जॉस्टेड बट ऑल द सोडियम आर रिप्लेस्ड बाय द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम आयंस। यानी जो जियोलाइट मिनरल्स होते हैं वो एग्जॉस्टेड कब होंगे, जब आपका सोडियम आयन रिप्लेस्ड होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से। नाउ जियोलाइट कैन बी जनरेटेड बाय पासिंग द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं उसके रिएक्शन को लिखा गया, जैसे कैल्शियम जिंकेट आपका सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो CaCl2 प्लस Na2Zd बनेगा। इसी तरीके से MgZd प्लस NaCl रिएक्ट करेगा तो MgCl2 प्लस Na2Zd बनेगा। इज दैट क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि द रीजनरेटेड जियोलाइट कैन नाउ बी यूज्ड टू रिप्लेसिंग द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम फ्रॉम द हार्ड वाटर अगेन। यानी जो आपका रीजनरेटेड जियोलाइट होगा वो क्या कर सकते हैं, हम उसको दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्ड वाटर के रूप में। अगला पॉइंट कह रहा है कि जियोलाइट सॉफ्टनिंग इज कैरी आउट इन द लार्ज सिलेंड्रिकल टैंक। यानी जो जियोलाइट प्रोसेस होता है वो क्या कैरी किया जाता है, एक लार्ज टैंक के रूप में उसका हम यूज करते हैं। एंड द टैंक हैज टू इनलेट एंड टू आउटलेट। यानी जो आपका टैंक होता है उसमें 2 इनलेट और 2 आउटलेट होते हैं। और आप उस फिगर को गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, जो कि जियोलाइट में उस फिगर को रिप्रेजेंटेड आप कर दीजिए अगर चाहें तो। अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या क्या हैं वो। पहला ये है कि रॉ वाटर must be free from the turbidity and the suspended impurities. Second, आपका point कह रहा है कि highly acidic water is not suitable as it affect the minerals. Third, आपका point कह रहा है कि geolite of iron and manganese cannot be easily regenerated by passing the NaCl solution. And hence the iron and the manganese impurities in the water must be removed in advance. और यहाँ पे कुछ points है कि anions are not removed by the process. यानी geolite process के मदद से हम क्या कर सकते हैं, anions को remove नहीं कर सकते। Thus the bicarbonate present in the hard water get converted into the sodium bicarbonate which produce the sodium hydroxide and CO2। yani yahan pe kya hoga, jo sodium bicarbonate hoga wo produce karega sodium hydroxide aur carbon dioxide ke roop mein। clear। yahan pe aap dekh sakte hain iska reaction aapke samne diya gaya hai, is reaction ko aap complete kar sakte hain। aur yahan pe because the sodium hydroxide may lead to caustic embrittlement and the CO2 makes the water acidic and the corrosive। और ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि जियोलाइट प्रोसेस के एडवांटेजेस हैं। पहला है कि वाटर ऑफ अबाउट 10 टू 15 ppm रेसिडुअल हार्डनेस इज ऑब्टेन एंड मींस इट रिमूव द 80 टू 90% हार्डनेस ऑफ द वाटर।
यानी लगभग 10 से 15 पार्ट्स पर मिलियन इसमें यूज होता है, और ये लगभग 80 से 90% तक हार्डनेस को दूर करता है वाटर से। अगला पॉइंट कह रहा है द प्रोसेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट फॉर द डिफरेंट हार्डनेस ऑफ इनकमिंग वाटर। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि वाटर ऑब्टेंड इज क्वाइट क्लियर। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि द इक्विपमेंट इज कॉम्पैक्ट एंड रिक्वायर्ड द लेस स्पेसेस। एंड फिफ्थ आपका पॉइंट कह रहा है कि इट रिक्वायर्स द लेस स्किल इन मेंटेनेंस एज वेल एज द ऑपरेशंस। ओके, तो या तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी।